हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक एरो के रिएक्शन में। मैं हूं कविता इंडिया से और हम रिएक्ट करने जा रहे हैं आप सबकी फेवरेट और मेरी फेवरेट सीरीज यूसुफ सीरीज का एपिसोड नंबर 37 पार्ट 1। तो उससे पहले जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, मैं अपने कुछ सब्सक्राइबर्स का नाम लेना चाहती हूं जो रेगुलरली मेरी वीडियोस पे कमेंट करते हैं, सपोर्ट करते रहते हैं। उसमें तालिब खान का नाम है, आसिफ भाई, ईमान भाई, रोहन, राहुल, सानिया, ऑल दीज पीपल और बहुत सारे लोग। मैं लोकेशंस भी शेयर करूंगी, दे हैव नॉट शेयर देयर नेम्स बट उन्होंने अपनी लोकेशन शेयर करी है। और उससे मुझे पता चला कि इतनी वाइड एरिया में आप सब इस सीरीज को देख रहे हैं। जैसे लाइक आई ऑल्सो मैंशन पीपल फ्रॉम इस्तानबुल, अफगानिस्तान, मैं डेफिनेटली कम्युनिटी में इसके स्क्रीन शॉट्स भी शेयर कर दूंगी। पीपल फ्रॉम बांग्लादेश, पीपल फ्रॉम ढाका, पीपल फ्रॉम गुलशन सिटी, पीपल फ्रॉम इंडिया एज वेल, दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, अलीगढ़, पीपल आर रियली वॉचिंग दिस सीरीज एंड देर आफ्टर पीपल फ्रॉम मलेशिया, इवन अमेरिका, दुबई, स्विट्जरलैंड, पीपल आर वॉचिंग दिस सीरीज एंड इट्स सो ब्यूटिफुल टू रीड ऑल दिस कि इतनी पसंद आ रही है आप लोगों को ये सीरीज और इतने ज़्यादा लोग इसे देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, दैट्स अनबिलीवेबल। एंड आप सबके लिए मैंने दो सीरीज, तीन सीरीज हम पैरेलली चलाएंगे, विच इज़ मुख्तारनामा और खालिद बिन वालिद और मोहम्मद सबके हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं इसे भी अपलोड करती रहूँगी। तो इतना ही सपोर्ट आप उसे भी करिए। ऑलरेडी इसका एक पार्ट मैंने रिव्यू करने के लिए खालिद बिन वालिद का मुख्तारनामा का ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप जाके से देख सकते हैं। इसके आगे हम जल्दी जल्दी, मैं टाइमिंग जल्दी बता दूंगी कि कब ये सीरीज आपको अवेलेबल मिल जाएगी। तो बिना देरी किए हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं पार्ट वन, क्योंकि पिछले पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से फरमा रवा को वर्गला करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि आमू ने तब ने बेसिकली उनकी माँ को किसी तरह गुमराह करने की कोशिश की, क्योंकि प्रॉफिट यूसुफ जो है वो इब्रानियन है और उनके हाथों में मिस्र की सल्तनत इस समय जाते हुए देख के लोग इसी बहाने उन्हें भड़का रहे हैं। बट लेट्स सी कि किस हद तक फरमा रवा उनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं। तो बिना देरी किए हुए आइए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। आप दुरुस्त फरमा रही हैं, अगर जिन खदशात का आपने इजहार किया है युजार सीफ के पास उनका कोई मुनासिब जवाब न हुआ तो उन्हें माजूल करना पड़ेगा, उन्हें तसल्ली बख्श मंतकी दलाइल पेश करने होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। मुझे जो कहना था सो कह दिया, बाकी तुम खुद जानो। कोई बाइद नहीं कि मकाम फरमा रवाई के हुसूल की खातिर तुम्हारे कत्ल का मंसूबा भी उसके जहन में पनप रहा हो। अब ये पेशन गोई किसने कर दी है? सिर्फ मेरा नहीं, काहिनान माबद का भी यही ख्याल है। ये लोग साजिशें करने से कभी बाज नहीं आएंगे। चल कम से कम फरमा रवा समझे तो सही इस बात को। वैसे कुछ भी हो बिना रूस मस्त लगता है यार। ये सरमाया तो इस अजीम बहरान से निमटने के लिए नाकाफी होगा। स्मूथ, बतौर खजाना दार मतलूब सरमाए के हुसूल के ज़राए मालूम होने चाहिए। इस सिलसिले में हमेशा इसे बेहतरीन तरीका महसूलात में इजाफा और लोगों से खराज की मजीद वसूली ही रहा है। नहीं, ये तरीका तो ज़रूरतमंदों और मोहताजों को मजीद मुश्किलात में डाल देगा। अगर कोई इतना ज़्यादा महसूल अदा ना कर सके तो क्या होगा? मेरा ख्याल है कि हमें सरमाए की फराहमी के लिए कोई और तरीका इख्तियार करना होगा। दुरूद पर आली जनाब युजार सीफ। तुम पर भी खुदा का दुरूद हो, यहाँ क्या कर रहे हो? पिंटू और स्मूथ पर भी खुदावंद का दुरूद। दुरूद पर भी अली जनाब, कल हुरम हूँ जनाब आखमाऊ से मिलने माबद गए थे, अलबत्ता इसकी वजह मालूम नहीं हो सकी। मैं हुरम हूँ की जानिब से ज़्यादा फिक्रमंद नहीं हूँ। मुमकिन है वो इक्तदार का ख्वाहिशमंद हो, लेकिन आमून हो तब से हरगिज़ गद्दारी नहीं करेगा। वो इतनी आसानी से अपने ज़मीर का सौदा नहीं करेगा। और आज जनाब आखमाहू बानोती से मुलाकात को गए थे और उनसे तकाजा किया कि वो आपके खिलाफ कोई इकदाम करें। तुमने खुद उन्हें देखा था? नहीं, बानोती की खादमा ने खबर दी है, वो अभी चंद लम्हे पहले ही इस काम के लिए रवाना हो चुकी है। बिलाशुबा उनका मकसद आखमाहू की दरख्वास्त को अमलीजामा पहनाना होगा। सब कुछ मुमकिन है, लेकिन इस सूरत हाल से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेरा और आपोपीस का माजरा याद है ना आपको?
वो साजिश माबद ही की थी। मैं जानता हूँ कि काहिनान माबद आमून अपने अहदाफ के हुसूल के लिए किसी भी किस्म के इकदाम से दरेग नहीं करेंगे, लेकिन मेरे पास भी एक कादिर व तवाना खुदा है, मैं खुद को उसके सुपुर्द करता हूँ। वैसे उन्हें फिक्रमंद होना भी चाहिए, बिलाखिर काहिनान माबद आमून को अपना वजूद खतरे में जो नज़र आ रहा है, सो उन्हें अपने बका के लिए हाथ पैर मारने भी चाहिए। लेकिन मुझे यकीन है कि इस मुबारजे में मैं और मेरा खुदा ही कामयाब होगा। आली जनाब, आमुन हो तो फरमा रवाए मिस्र ने जनाब यूज़ा आसिफ को याद फरमाया है। बहुत खूब, मैं अभी हाजिर होता हूँ। अगरचे बानुद्दीन ने अपना काम कर दिखाया है, लेकिन फिर भी फिक्र करने की कोई बात नहीं। आज मैं नैनीफर से मिला, उसके दिल में अब भी वही बुग्ज़ अनाद बाकी है। जनाब यूज़ा आसिफ के बारे में उसने कुछ कहा है क्या? जी, कह रहा था वो इंतकाम लेने के लिए किसी मुनासिब मौके की तलाश में है। जानता हूँ कि नैनीफर कब्ता एक ख़तरनाक इंसान है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं। आली जनाब यूज़ा आसिफ शर्फ़े बारिया भी चाहते हैं। दुरूद पर यूज़ा आसिफ हकीम। खुशामदीद यूज़ा आसिफ, आप तो इस कदर मसरूफ़ कार हो गए कि हमें ही भूल गए। फ़राइज़ की अंजाम दही में मशगूल था, अब आपने याद फरमाया, सो हाज़िर ख़िदमत हूँ। मैं गुज़िश्ता याम में अंजाम पाने वाले उमूर की तफसील जानना चाहता हूँ। फ़िलहाल तो कोई ख़ास काम अमल में नहीं आए जनाब फरमारवा, जब तक मुकम्मल मालूमात तकमील को नहीं पहुँच जाती कोई भी इकदाम बेसूद होगा। मसलन हमें ये मालूम होना चाहिए कि मिस्र की आबादी कितनी है, मर्द व ख़वातीन की तादाद, बूढ़ों और बच्चों की तादाद, हर शहर में मुकीम अफराद की तादाद कितनी है, कितने अफराद शहर नशीन और कितने ज़रात पेशा हैं, और ये कि कौन सी ज़मीनें काबिल काश्त हैं और किन खित्तों में वाक़ हैं, तभी कहीं जाकर कोई संजीदा और मुनासिब इकदाम अमल में लाया जा सकता है। हमारी काबिल काश्त ज़मीनें सिर्फ नील के अतराफ़ में वाक़ हैं, और जिसका जानना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। मेरा ख्याल है कि हर वो ज़मीन जहाँ पानी मौजूद हो काबिल काश्त है। फरावानी के इन 7 सालों में न सिर्फ दरियाए नील के पानी में इजाफा होगा, बल्कि इरादा खुदाबंदी से बारिश पूरी सरजमीन मिस्र को सैराब कर देगी। कौन सा काम है जो आपके खुदाए यक्ता के दस्ते कुदरत में ना हो? पूरे मिस्र पर 7 साल बाराने रहमत का बरसना। फिर तो तमाम सरजमीन मिस्र में ही काश्तकारी की जा सकती है। बस हमें काश्तकारों को यह बताना होगा कि ज्यादा से ज्यादा गंदम काश्त करें, और सालाना मसरफ के अलावा बाकी मांदा तमाम गंदम हुकूमत मिस्र उनसे मुनासिब कीमत में खरीद लेगी। और गंदम की खरीदारी के लिए यह कसीर सरमाया आएगा कहाँ से? एक तो महसूलात की मुआफ़ी के जरिए, दूसरे ज़मीन के एवज गंदम की खरीदारी के जरिए। जो शख्स जितनी ज़्यादा गंदम हुकूमत मिस्र की तहवील में देगा, वो उसी मुनासबत से अपनी ज़ेर काश ज़मीन का मालिक करार पाएगा। ये ज़मीनें तूल तारीख में हुकूमतों के इस्तेहकाम और मिस्र के फरमारवाओं के इक़दार के ज़मीन रही है, उन्हें दूसरों के हवाले कर दें। इन ज़मीनों को दूसरों के हवाले कर देने से तो हमारी हुकूमत गैर मुस्तहकम हो जाएगी। इसके बरक्स आप माबद आमून की तमाम तर दौलत और सरवत और तमाम अमलाक के मालिक हो जाएंगे। 3000 साल से आज तक कोई भी आमून की दौलत को इन काहिनों से हासिल नहीं कर सका, तो फिर आप किस तरह लेंगे? हम जबरन किसी से कुछ नहीं लेंगे, वो खुद अपनी मर्जी से हमें देंगे। Nice idea. मुझे अब भी अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। क्या इस तरह हमारी हुकूमत गैर मुस्तहकम नहीं हो जाएगी? सीधी सी बात है, हम गंदम मुफ्त में किसी को भी नहीं देंगे, खा वो काहिनान हो खा सरवतमंद। उसके एवज या तो उन्हें अपनी दौलत देनी होगी या अपनी जमीन और दीगर अमलाक। और यूं जो कुछ भी हम उन गरीब काश्तकारों को देंगे उसे दोबारा हासिल कर लेंगे। अगर सरमायादार तबका और काहिनान खुद जखीरा कर ले तो उन्हें हमसे गंदम खरीदने की क्या जरूरत होगी? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि माँ सिवाय हुकूमत मिस्र के कोई भी गंदम की जखीरा साजी में कामयाब नहीं हो सकेगा। क्या मोरद नजर सरमाए की फरहमी की कोई और सूरत नहीं हो सकती? क्यों नहीं, बिल्कुल है।
अगर इजाज़त हो तो मैं पहली फुर्सत में मर्द में मिस्र से खिताब करना चाहूँगा। आपका क्या ख्याल है, अगर हम आवाम से मदद मांगे तो वो हमसे तआवुन करेंगे? मुझे उम्मीद है कि वो तआवुन ज़रूर करेंगे। एक और बात, मुझे खबर मिली है कि माबद के मुअब्बर आज़म की लाश दरियाए नील से मिली है। यानी डूब गए? नहीं, मुझे यकीन है कि उन्हें डिबोया गया है। क्या काहिनों ने उनकी जान ली है? आली जनाब, मेरा ख्याल है कि चूंकि उन्होंने युजार शेफ की तावील ख्वाब की तायद की थी, लिहाजा उन्हें माबत की जानिब से ये सजा दी गई है। नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं कातिल को बखूबी जानता हूँ। आँख माहू इन कामों के लिए कभी भी काहिनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी मनमानी और कत्लो गारतगरी की इंतहा कर दी है, अब उनके लिए कुछ सोचना ही पड़ेगा। ये सब लोग एक बेगाने काफिर के हाथों में खिलौना बने हुए हैं। पता नहीं फरमा रवा के ख्वाब की ताबीर के खातिर इन बेचारे अवाम को न जाने क्या क्या सुहाने ख्वाब दिखा डाले। खुदावंद मर्दम मिस्र के नाम से, वो खुदावंद के जिसने मिस्र और मर्दम मिस्र को खल्क किया। मैं इस अजीम इज्तमा में आप सब लोगों की शिरकत पर आप सबका शुक्रगुजार हूं। इस इज्तमा से मेरा मकसद यह है कि मुझे आप सब लोगों की मदद और तआवुन दरकार है। दर हकीकत हमें आने वाले 7 सालों के इस तवील कहे तो खुश साली के मुतालिक कोई चारा जोई करनी होगी, और अगर आप आवाम की मदद और तआवुन हमें हासिल न हो तो यकीनन हम कहत पर काबू पाने में हरगिज कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैं चाहता हूं कि तमाम हकायक आपके सामने खोल कर रख दूं। इसमें कोई शक नहीं कि हमें गंदुम जखीरा करना है, लेकिन अगर मैं आपसे चाहूं कि आप अपनी ज़रूरत के अलावा बाकी मानदा गंदुम मुफ्त में हुकूमत की तहवील में दे दें तो क्या आप कबूल कर लेंगे? वो तो जाहिर है कि नहीं करेंगे। सलाम अपनी मेहनतों का समर हुकूमत के हवाले क्यों करने लगे? हत्ता कि मैं तो एक मुट्ठी गंदुम भी किसी को ना दूं। भी अगर किसी को मुफ्त में गंदुम दे देते आज हमारी तरह गरीब होते, दौलतमंद ना होते। बस ऐसी सूरत में तो हुकूमत आपसे गंदुम या तो दिरहम और दीनार के एवज खरीदे जो उसके पास नहीं है, या फिर जमीन के बदले। बहुत खूब, हम अगर जरूरत के मुताबिक कुछ गंदुम जमीन के एवज खरीद भी लें तो गंदुम के जखायर की हिफाजत के लिए जो गोदाम दरकार होंगे वो किस सरमाए से तामीर करें, और उसके मजदूरों और कारकुनों की उजरत हम कहां से अदा करें? और वो काश्तकार जो अपनी जमीनों पर काश्त करते हैं, हम उनसे गंदुम खरीदने के लिए कीमत कहां से अदा करें? आखिर उस गंदुम की खरीदारी हम किस तरह करें? खूब, तुम बोलो, आखिर हुकूमत मिस्र के पास इतना सरमाया क्यों नहीं है? क्योंकि हुकूमत मिस्र के वहमो गुमान में भी न था कि एक दिन ऐसे बड़े कहत का सामना करना पड़ेगा और उस पर काबू पाने के लिए इतने कसीर सरमाए की जरूरत पड़ेगी। लिहाजा इसमें कोई शक नहीं कि आप आवाम की मदद और तआवुन के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। क्या आप हाजिर हैं कि हम एक दूसरे के बाहमी तआवुन से खुद को इस जानलेवा बहरान से निजात दिलाएं? बिल्कुल क्यों नहीं, बिलाखिर हमें अपनी निजात के लिए कोशिश तो करनी होगी। हम तआवुन तो करना चाहते हैं, मगर कैसे करें? इसका तरीका कार मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले महसूलात की माफी के जरिए। मिस्र का सरमायेदार तबका हर साल अपनी आमदनी का एक मखसूस हिस्सा बतौर महसूल हुकूमत मिस्र को देने का पाबंद होगा।
हम उन महसूलात में से कुछ हिस्सा उन्हें माफ कर देंगे। जो शख्स भी एक साल का महसूल अपने मुकर्रर वक्त से पहले अदा कर देगा, हम बाद में उसका अगले दो साल का महसूल माफ कर देंगे। और जो कोई भी अपने 7 साल की महसूलात की पेशगी अदायगी अभी यकमुश्त करेगा, तो हम उसे 14 साल का महसूल माफ कर देंगे। ये तो बहुत ही अच्छा है, मैं तो अपना महसूल पहले ही अदा करने को तैयार हूँ। इसमें हमारा ही फायदा है कि 7 साल तक हमें महसूल अदा नहीं करना होगा, और हुकूमत के मफाद में भी है कि उसकी मुश्किल भी हल होगी। और दूसरा तरीका ये है कि माजी के फिरायना या हुक्मरानों की तरह हमसाए ममालिक पर हमले करके कश्त व खून और गारतगरी के जरिए जो माल गनीमत हाथ आए उससे हम गंदम की खरीदारी करें। और ये बात तो वाज़ह है कि उस जंग में शिरकत लाजमी होगी। यानी इससे पहले के कैद हमें बर्बाद कर दे, हम जंग में शिरकत करके खुद को हलाक कर डालें। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं भी जंग के हक में नहीं हूँ। अगर आप जंग के जरिए माइल नहीं हैं, तो फिर आप लोग खुद ही गंदम की खरीदारी के लिए दरकार सरमाया मुहैया करें। हर शख्स अपनी आमदनी का 5वां हिस्सा इस मुहिम के लिए मख्तस कर दे, ताकि उस सरमाए से गंदम खरीदी जा सके। अगर अपनी आमदनी का 5वां हिस्सा देने से हम जंग से बच सकते हैं तो हमें कबूल है। हम तो उन जंगों से जिनमें लाखों जाने जाया होती हैं ताकि महज हुकूमत के खजानों को भरा जाए, अब तंग आ चुके हैं। राशिफ, फरमा रवा की जमीनें यूं काश्तकारों को बख्श कर माबत की कामयाबी के लिए राह हमवार कर रहा है। लेकिन एक बात जो हमें नहीं भूलनी चाहिए, वो गंदम की जखीरा अंदोजी है। जहां तक मुमकिन हो सके माबत में मौजूद गंदम के अलावा मजीद गंदम मुहैया करें। आप देखेंगे कि अनकरीब मिस्र का मुकद्दर उसके हाथों में होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा गंदम होगी। तो क्या काहन आजम पेशगोई युजार सीफ पर गंदम के तहत के हवाले से यकीन रखते हैं? दो वजहों से। हाँ, पहली ये है, जो ताबीर युजार सीफ ने फरमा रवा के ख्वाब की पेश की है, बाजार उससे बेहतर ताबीर मेरी भी नजर में नहीं। और दूसरा ये कि अकलमंद एहतियात का पहलू हाथ से नहीं छोड़ता। तो ऐसा करते हैं, हम कल से ही अपने चंद मामूरीन को गंदम की खरीदारी पर मामूर कर देते हैं। बस कोशिश करना किसी को पता ना चले। अगर माबट के गोदामों में गल्ला मौजूद ना हुआ तो मुस्तकबिल में हम किस तरह माबट का इस्तेहकाम बरकरार रखते हुए युजार सिफ से मुकाबला करेंगे? वो माबट जो गजाई किल्लत का शिकार हो, वो यकीनन युजार सेफ के मुकाबले घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। नहीं, तुम रुको, मुझे एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो बआसानी कोई भी खतरनाक काम अंजाम दे सके। पता लगाओ और मुझे बताओ। ताली जनाब। दोस्तों, तो देखा आपने किस तरह से इस एपिसोड में हमने देखा एक बार प्रॉफिट यूसुफ ने दोबारा से सबका दिल जीत लिया। उन्होंने किस कदर जो मिस्र के आवाम है उनके साथ इंटरैक्ट करके उन्हें बिल्कुल जैसे उन्होंने सोच रखा था, जो प्लानिंग उन्होंने कर रखी थी उसके लिए मना लिया। लोग खुशी खुशी मान भी गए अपनी मर्जी से, जैसे उन्होंने प्रॉमिस किया था फरमा रवा को। तो एक्चुअली जब आप लॉजिकल रीजंस किसी को देते हैं ना, तो आई थिंक जो भी लॉजिकल इंसान होगा ना, अगर वो सही इंसान होगा और सही सोचता होगा, तो आपकी बात ज़रूर मांगेगा अगर आपने वैलिड रीजंस के साथ उसे जवाब दिया होगा।
तो लोग सैटिस्फाइड थे, लोगों ने प्रॉफिट यूसुफ की बात मानी, आई होप फरमा रवा का कॉन्फिडेंस दोबारा से एक बार प्रॉफिट यूसुफ में वापस आ जाएगा। और वहीं हमने देखा कि पुतिफार काफ़ी बीमार हैं, आई जस्ट होप कि उन्हें कहीं कुछ हो ना, लेट्स सी आगे क्या होता है। और जैसे कि आप सब ने कहा था, मैंने कुछ नाम स्टार्टिंग में लिए थे, कुछ नाम मैं दोबारा लेना चाहूँगी, जैसे कि स्पेशली एक दो लोगों ने लिखा हुआ कि नाम लेना ज़रूरी नहीं है, आप हमें याद रखिए। तो थैंक यू सो मच, ब्रावो अहमद फ्रॉम सऊदी अरेबिया, मदीना से देख रहे हैं, आई एम सो ग्लैड कि इस पाक जगह से भी आप मुझे देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देर आफ्टर ताला राजा भाई ने देखा है, लिखा है कि शायद देखना, दुबई से देख रहे हैं वो, एंड नाम लेना ज़रूरी नहीं है उन्होंने कहा है, और कहा है कि ऐसे ही याद रखिए। तो बिल्कुल मैं सबको याद रखूंगी, जैसे मैंने कहा मेरे लिए आप सब एक फैमिली जैसे हैं, और फैमिली का हर एक मेंबर ज़रूरी होता है, उसी तरह आप सब मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। और मेरा वक्त किस तरह से आप लोगों के साथ गुजर जाता है बातें करते करते, वाकई पता नहीं चलता है। तो एक मैं इतने टाइम से, आप क्योंकि रेगुलर आप लोग देख रहे होंगे कि मैं रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, तो आप लोग मेरे पार्ट, मेरे लाइफ का एक पार्ट हो चुका है, इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस, और बाकी जो रिस्पेक्ट, जो सपोर्ट आप मुझे दे रहे हैं, मैं इसके लिए आप सब से तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। बस इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, एंड लेट्स टेक इट इन अ पॉजिटिव मैनर, उसको गेम की तरह यूज़ करते हैं। द टारगेट इज 20,000, देखते कितनी जल्दी 20,000 अचीव होता है। तो आप सब भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसी ही बातें करते करते इस सफर को हम आगे रखते हैं। तो बाय बाय।